मैं आपका दोस्त महफूज वारसी और आप देख रहे हैं SKS बेब न्यूज। कल जो चुनावी उत्तर प्रदेश का समर खत्म हुआ है उसके एग्जिट पोल आ चुके हैं और ज़्यादातर सर्वे ने, चाहे वो सी वोटर सर्वे हो, चाहे ABP न्यूज़ का सर्वे हो या आज तक का हो या NDTV का हो, जितने भी चैनल थे उनके सर्वे आए हैं और सब में BJP की पूर्ण बहुमत की सरकार दिखाई गई है। उसी के लिए मेरे साथ BJP के वरिष्ठ नेता हैं आशीष गुप्ता जी, इनसे जानूंगा, क्योंकि समाजवादी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उन वोटरों के जो सर्वे हैं उन्हें गलत बता रहा है, क्योंकि वो ये कह रहा है ज़्यादातर चैनल BJP के चैनल हैं इसलिए BJP को बहुमत दिखा रहा है। लेकिन मैं गुप्ता जी से जानूंगा ये बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक झूठ है। देखिए महफूज जी, मैं पहले से ये बात कहता हुआ आपसे आ रहा हूँ कि ये जो सर्वे है ये प्री पोल सर्वे है और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता इस चीज़ से आश्वस्त है कि हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है। ये सिर्फ अभी सर्वे है, 10 तारीख को आप स्वयं अपनी आंखों से देखिएगा कि पुनः बाबा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और पूर्ण बहुमत से एक तिहाई बहुमत लेकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको पूरी उम्मीद है ये जो सर्वे आया है रिजल्ट के भी नतीजे ऐसे ही होंगे? भाजपा का एक एक कार्यकर्ता आश्वस्त है कि उत्तर प्रदेश में महाराज जी पुनः मुख्यमंत्री बन रहे हैं एक तिहाई बहुमत के साथ। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं डॉक्टर इलियास जी, जो कल एग्जिट पोल आए हैं 2022 इलेक्शन के, तो मैं इनसे जानूंगा ये एग्जिट पोल BJP के पक्ष में आए उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार दिखाई जा रही है, समाजवादी की लास्ट 162-165 तक सीटें दिखाई जा रही हैं, तो मैं इनसे जानूंगा ये कितने संतुष्ट हैं एग्जिट पोलों से और इनकी अपनी क्या सोच है। शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एग्जिट पोल पूरी तरीके से पलटे जाएंगे, बिल्कुल गलत एग्जिट पोल है, इनका कोई मतलब नहीं है, ये प्रोपेगेंडा, एक भाजपा का प्रोपेगेंडा है। जिस तरीके से एग्जिट पोलों में दिखाया जा रहा है कि भाजपा को 44% मत प्राप्त हो रहे हैं, जबकि लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया और इलेक्शन कमीशन के हिसाब से जब मोदी लहर थी तो 39.6% वोट भाजपा लाई थी। इस बार सब कुछ बदला हुआ है, मुद्दे बदल गए हैं, किसानों के मुद्दे रहे हों, रोजगार के मुद्दे रहे हों, या जो ये जिनका प्रोपेगेंडा है एक तरीके से चुनाव को जो है हिंदू मुसलमान पर लाने का, वो इनका सब तरह से फेल हुआ था और बस समाजवादी को ये 35% वोट दिखा रहे हैं अब और बसपा को 11% दिखा रहे हैं। अगर समाजवादी 35% वोट लाती है इन्हीं के सर्वे के हिसाब से तो समाजवादी 13% का गेन कर रही है। अब ये 13% वोट किसका आया है इनके हिसाब से, जबकि हमारा मानना है कि हम 45% वोट ला रहे हैं, 44 से 45%, और ये 28% से ऊपर नहीं जाएंगे। अब जब ये 35% वोट हमारा हो रहा है और 11% 13% जो है वोट की बढ़ोतरी हो रही है, तो ये जाहिर सी बात है भाजपा पीक पे थी तो भाजपा का ही तो काटा है। अब जब उनके 39 में से अगर आप 13% वोट घटा देंगे तो कितना बचता है, 26%। इस लिहाज से ये बिल्कुल गलत एग्जिट पोल हैं। अब लोकल पे आ जाओ, मुरादाबाद है, रामपुर है, हमारे करीब की सीटें हैं, यहाँ कोई भी अगर एक तरह से भाजपा वाले से भी बात करोगे तो वो कहता है कि आप 3 से 4 सीटें रामपुर में और 3 से 4 सीटें मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में जीत रहे हैं, जबकि इनके सर्वे के हिसाब से रामपुर में 1 है और मुरादाबाद में 1 है। ये पूरी तरीके से पलटे जाएंगे, ये कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए सब कुछ किया गया है, अधिकारियों को अपने पक्ष में करने के लिए किया गया है। जिस दिन नतीजे आएंगे 10 तारीख को आपका चैनल भी देखे और आप भी देखें। लेकिन BJP के लोग कह रहा है अब समाजवादी एग्जिट पोल आ गए हैं, नतीजे जब आएंगे 10 तारीख को तो फिर ये ABM को रोंगे। देखिए ABM का रोना बिल्कुल नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि समाजवादी पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बना रही है, ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं। इनके चेहरे पढ़ लीजिए, इनके चेहरों पर साफ साफ लिखा हुआ है, एक चेहरा भी एक आईना होता है जिस पर आदमी की भावनाएं आती हैं, भाजपा के चेहरे पर साफ साफ झलक रहा है कि चुनाव हार चुके हैं। ये इस तरह के प्रोपेगेंडे करके अधिकारियों को अपने पक्ष में रखना चाहते हैं, अधिकारियों को और कार्यकर्ता को मनोबल ना टूटे। इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी लोग ज़्यादा तादाद में काउंटिंग के आसपास पहुंच जाएं, जो एक राकेश टिकैत जी ने बयान भी दिया था उसको लेकर के इन्होंने ये एक, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे, लोग ज़्यादा ना पहुंच जाएं। इनके कार्यकर्ता का मनोबल इतना कम हो चुका है कि ये सोच रहे हैं कि हम कार्यकर्ता पहुँचें नहीं पहुँचें, इसलिए सब कुछ किया गया। तो आपको लगता है ये सर्वे के नतीजे हैं ये रिजल्ट में नहीं आएंगे? 100% नहीं आएंगे। अगर भाजपा 44% वोट लेके आती है तो मैं समाजवादी के कार्यकर्ता पद से इस्तीफा दे दूंगा। सारी जितनी एजेंसियां हैं उन्होंने सबने बताया है BJP की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, लेकिन समाजवादी के जो नेता हैं वो इन
एग्जिट पोल को नकार रहे हैं, झूठे साबित कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो उनका ये कहना है, चैनल जो इतने सर्वे किए हैं वो सारे बिकाऊ हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इन्हें एग्जिट पोलों को नहीं मान रही है। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमर सिंह जोशी जी, मैं इनसे जानता हूँ इनकी क्या प्रतिक्रिया है समाजवादी के इन सवालों पर। आने वाला जो 10 तारीख है, जो रिजल्ट सामने आएंगे, अभी समाजवादी वाले EVM को गलत बताएंगे। 325 प्लस हमारी सीट आ रही हैं, 326 सीट आज चैनल दिखा रहा है। आने मुझे तो ये उम्मीद है कि हो सकता है 350 सीट भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी का काम गलत कौन सा हुआ था? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके पार्टी चली थी। जात पात कोई नहीं देखा गया था, गरीब अमीर कोई नहीं देखा गया था। बहुत बढ़िया तरीके से योगी जी की गवर्नमेंट चली थी, पूरा समाज संतुष्ट थे, कहीं कोई चोरी चपारी कहीं नहीं हो रही थी, सब शांति थे। पूरा सबसे और इससे बड़ी बात क्या थी कि पूरे प्रदेश में अमन चैन था। पूरे शहर जितने भी हमारे प्रदेश है उसमें कहीं कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ, सब प्रेम मोहब्बत से रहे। अब ये भूखे थे समाजवादी वाले, इनके दिमाग में यही है कि कैसे कैसे सत्ता आ जाए। मतलब कहने का ये है कि साम दाम दंड भेद करने के बाद ये सब इस चक्कर में थे कि हमारी समाजवादी गवर्नमेंट आएगी, मगर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आने वाला समय भाजपा का ही है। उम्मीद है जो एग्जिट पोल आए ये रिजल्ट में भी बदलेंगे। हम नहीं मान रहे एग्जिट पोलों को, हम तो 325 से भी आगे जा रहे हैं। पिछली बार भी चुनाव 17 का हुआ था, उसमें अभी हमें 200-225 सीटें दिखाई जा रही थी, हम 325 आए थे। NDA का भाजपा और जो उनके सहयोगी दल हैं उनको मिलाने के बाद में NDA पहले का रिकॉर्ड 17 का तोड़ेंगे इस बार। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जुल्फकार अली बुट्टू भाई जी, और जो कल एग्जिट पोल के नतीजे आए, सारे जो सर्वे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दिखा रहा है। और समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो 165 लास्ट दिखा रहा है सर्वे में। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं इनसे जानूंगा कल के सर्वे से, जो सी वोटर सर्वे है, चाहे वो ABP न्यूज़ का सर्वे है, चाहे वो NDTV का सर्वे है, तो ये कितने संतुष्ट हैं? देखिए महफूज भाई, जहाँ तक सर्वे का हिसाब है तो सर्वे तो आपने अभी कुछ चंद ही दिनों पहले पश्चिम बंगाल का सर्वे भी देखा हुआ, यही अडानी अंबानी के चैनल दीदी की सरकार नहीं बना रहे थे, यही भारतीय जनता पार्टी के चैनल अवानी अडानी के चैनल ये भारतीय जनता पार्टी को 190-192 सीटें दिखा रहे थे वहाँ पे। जब परिणाम आया, जब एक करेक्ट वाला परिणाम आया तो क्या हुआ वहाँ पे? ममता दीदी की पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा सीटें आईं। आने वाली 10 तारीख को आप देख लेना, हमारी पार्टी के चैनल नहीं है ये चैनल, जो है अडानी अम्बानी के हैं, ये चैनल मोदी के चैनल हैं। जब हमारे 10 तारीख को आप देख लेना, जब मतगणना होगी आपको 10, 10:30, 11 बजे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, 300 प्लस समाजवादी पार्टी सरकार होगी। तो आपको ये लगता है जितने भी सर्वे हुए हैं ये सब मर्जी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के तैयार किए गए हैं? सब ये पैसे दे के सर्वे कराए हुए पैसे हैं। अरे अगर एग्जिट पोल ये अगर आपकी हम मान लें, इन चैनल की आप हम मान लें, तो किसान मुद्दा कहाँ गया, बेरोजगारी मुद्दा कहाँ गया, नोटबंदी मुद्दा कहाँ गया, लोगों के पैरों में छाले पड़ गए कहाँ गए, लोग मर गए, घर से बेघर हो गए, कितने किसान मरे, कितने नोटबंदी में लोग मरे, कितने लॉकडाउन में लोग मरे, घर के घर तबाह हो गए, वो मुद्दे सब खत्म, वो तो जनता भूल गई। इनकी सरकार कहीं से कहीं तक महफूज भाई, इनकी सरकार नहीं आएगी। आने वाली 10 तारीख को एक दिन बीच में आप देख लेना, हम बहुत ही विश्वास से कह रहे हैं, हम इतने विश्वास से कह रहे हैं कि आने वाली 10 तारीख को अखिलेश यादव जी की सरकार आने वाली है, मोहम्मद आजम खान की सरकार आने वाली है। तो आपको लगता है जो ये सर्वे दिखाया गया है रिजल्ट कुछ और ही होगा? रिजल्ट कुछ और होगा, आप देख लेना। हमने आपको एक बहुत बड़ी मिसाल दे दी, आप इसके गवाह हैं। अभी चंद दिनों पहले, कुछ महीने पहले, यही चैनल यही पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल दिखा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी 190-192 भारतीय जनता पार्टी की ये सीटें दिखा रहे थे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा इसका विपरीत हुआ, ऐसे ही विपरीत होगा। UP में गवर्नमेंट अखिलेश यादव की आएगी, आली जनाब मोहम्मद आजम खां की सरकार आएगी आने वाले 10 तारीख के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं पंडित विवेक बशिष्ठ जी, और मैं इनसे जानूंगा जो 2022 के एग्जिट पोल के नतीजे आए, जो सर्वे ने दिखाए सारे चैनलों ने, सी वोटर सर्वे ने, तो ये
एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बताई जा रही है, तो ये कितने संतुष्ट हैं इस एग्जिट पोल से? भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। एग्जिट पोल तो हम देख रहे हैं, रात दिखा रहे हैं, पूर्व में मीडिया दिखा रही है, परंतु चुनाव से पूर्व भी मैंने ये कहा था और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा था कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं, जनता हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। और आज ये भी सत्य हो रहा है कि समस्त जो लोग मीडिया पर उंगली उठाने वाले लोग हैं, जिन्होंने मीडिया को कहीं ना कहीं आरोप लगाए हैं, वह लोग भी समझ रहे हैं कि जनता का जो मन है, जनता का जो समर्थन है, वह मीडिया को पता लग गया है। और समस्त मीडिया, देश की मीडिया, प्रदेश की मीडिया इस बात के लिए कह रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है, इसमें कोई दोराय नहीं है। अगर बात की जाए तो समाजवादी के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, वो कह रहा है हम इन एग्जिट पोलों को नहीं मानते। ये जो एग्जिट पोल है, ये बीजेपी के बना हुए एग्जिट पोल है, ये चैनलों के सर्वे के नहीं है, दबाव में उनसे बनवाए गए हैं, हम 350 सीटें लेके आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? समाजवादी के लोग भारत माता को नहीं मानते, समाजवादी के लोग मीडिया को नहीं मानते, समाजवादी के लोग संविधान को नहीं मानते, समाजवादी के लोग जनता की आवाज़ को, जनता की समर्थन को नहीं मानते, तो भी इसका कोई इलाज नहीं है, वो उनकी सोच है, वो क्या करें। तो आपको लगता है जो सर्वे में रिजल्ट आया है वो हकीकत में भी 10 मार्च को आएगा? बिल्कुल निश्चित है, ये निश्चित नहीं अपितु सुनिश्चित है कि 10 मार्च में हम 12 बजे तक आपको ये पता चल जाएगा कि प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है।